Namaskar friends, welcome to RS Utkarsh English. My name is Pooja Dwivedi. Today we are going to talk about the notice that the Supreme Court has served to the Rajasthan government. The Rajasthan government has been told to take care of the Sariska Tiger Reserve. Sariska Tiger Reserve, which is situated in the Aravali Hills, is getting impacted because of the constant illegal mining that is going on over there. Illegal mining is another problem, but more than that, tiger reserves sit on a higher pedestal if we compare the commercial benefits of mining and the Sariska Tiger Reserve. Now let's talk about this particular news in detail. Detail mein baat karte hain. Supreme Court ne kaha hai ki bhai Rajasthan government please जो 68 माइंस ऑपरेट की जा रही हैं, एक किलोमीटर के रेडियस के अंतर्गत सरिस्का टाइगर रिजर्व के, उसको बंद कराइए आप लोग. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वहाँ पे टाइगर्स को इम्पैक्ट आ रहा है, और बार बार हमने आपसे कहा है कि बोथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और साथ ही साथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ऐसा होना चाहिए. जो एरिया है, बफर जोन होता है, वहाँ पे भी इलीगल माइनिंग हो रही है. तो यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट ने भी अपनी चीज़ें बताई हैं, वो भी मैं बताऊँगी. यहाँ पे माइनिंग हो रही है मार्बल की, डोलोमाइट की, लाइमस्टोन की, और एक क्लियर वायलेशन ऑफ लॉ है. जैसे कि हम जानते हैं कि अरावली जो हैं, जो अरावली हिल्स हैं, यहाँ पर धरवाड़ियन रॉक्स मिलते हैं. ये मैंने पहले भी कवर किया है, आपको याद होना चाहिए. अरावली हिल्स में क्योंकि ये सिचुएटेड है, अरावली हिल्स असल में प्री कैम्ब्रियन एरा में बने हैं. प्री कैम्ब्रियन एरा में बनने की वजह से जो इनके रिजर्व्स हैं, ये धरवाड़ रिजर्व्स हैं, धरवाड़ियन रॉक्स. और यहाँ पे धरवाड़ियन रॉक्स होने की वजह से बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं भाई. जैसे कि आपको सिल्वर मिल जाएगा, लेड मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, इसके अलावा लाइमस्टोन वगैरह तो है ही. तो इसी की वजह से यहाँ पे कॉन्स्टेंटली माइनिंग होती रहती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो 692 किलोमीटर का पूरा अरावली हिल्स का रीजन है, इसमें से 80% राजस्थान में लाई करता है, और राजस्थान माइनिंग के लिए बहुत फेमस है. चलो राजस्थान गवर्नमेंट कर रही है तो उसको रेगुलेट करके करेगी. प्रॉब्लम्स है इल्लीगल माइनिंग जो हो रही है. अरावली हिल्स का विस्तार बहुत सारी जगहों पर है, दिल्ली में है, हरियाणा में है. सारी गवर्नमेंट से बोला गया है कि थोड़ा सा ध्यान से आप लोग अरावलीस को रखिए. गुजरात से है, साथ ही साथ राजस्थान. और राजस्थान में जैसे कि मैंने कहा कि 80% ऑफ़ दी अरावली हिल्स का विस्तार है, और अरावली हिल्स बहुत बायोडाइवर्स है, और इसी की वजह से यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट्स हैं, और सरिस्का टाइगर रिजर्व भी यहीं पे सिचुएटेड है. तो अरावली हिल्स ये कंटिन्यूसली इरोड हो रहे हैं. हर दिन हमें न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पे इरोजन हो रहा है. 31 हिल्स 2018 तक यहाँ पे गायब ही हो चुके हैं, और साथ ही साथ प्रोजेक्ट टाइगर भी इम्पैक्ट हो रहा है. प्रोजेक्ट टाइगर जो कि ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 1973 में, ये इसीलिए किया गया था ताकि हम टाइगर्स की संख्या को बढ़ा सकें. तो हर चार साल में जब सर्वे होता है, 2022 में लास्ट सर्वे हुआ तो हमें पता चला था कि हमारे पास 3,167 टाइगर्स अब बाकी हैं. अभी इससे भी बढ़ गए हैं, पर जो लास्ट में हुआ था 3,167 उसकी बात कर रही हूँ. और 1978 में, इसी के अंदर 1978 में सरिस्का को भी टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था. तो सरिस्का टाइगर रिजर्व भी कब बना है पार्ट, अगर आपसे आरएस में पूछा जाए प्रोजेक्ट टाइगर का, तो याद रखिएगा 1978 में बना है. सो इज इट नॉट कि हमें इस टाइगर रिजर्व को संभाल के रखना चाहिए. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो कि इम्पॉर्टेंटली उन स्पीशीज़ को बचाने की कोशिश करता है जो हो सकता है अगर ख़त्म हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम ख़राब हो जाए. तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने टाइगर को, जो कि शेड्यूल 1 में सिचुएटेड है, शेड्यूल 1 में इसको सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन. तो इसी के अंतर्गत ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जारी की है. पर यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट कह रही है कि अप्रैल 2023 का जो ऑर्डर आया था सर्वोच्च न्यायालय का, उसमें कह रही है कि टाइगर रिजर्व पे ये जो इको सेंसिटिव जोन बनाने वाली बात है कि एक किलोमीटर के एरिया को इको सेंसिटिव जोन बनाना है, ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए है, और टाइगर रिजर्व के लिए ये अप्लाई नहीं करती. ये कौन कह रहा है? ये राजस्थान गवर्नमेंट कह रही है. इको सेंसिटिव जोन वो एरियाज़ हैं जिनको बफर जोन की तरह बनाना पड़ता है कि इसके बियॉन्ड अगर आप काम करेंगे तो इकोलॉजी को आप हार्म पहुँचाएंगे. इको सेंसिटिव जोन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत डिक्लेयर किया जाता है. तो ये याद रखिएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो एक्ट है
उसके अकॉर्डिंग इसको सिचुएट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि इको सेंसिटिव जोन अगर डिक्लेरेशन करना होता है सरकार को तो किस एक्ट के तहत कर सकती है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और सरकार को ये भी, सरकार को, राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लोजर प्लान बनाइए जिससे आप बता सके कि आपने वहाँ इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए क्या नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने वाली। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि सेक्शन 38XA जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, वो कह रहा है कि टाइगर रिजर्व्स हायर पेडेस्टल पे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के कंपैरिजन में और नेशनल पार्क्स के कंपैरिजन में। तो आप कैसे कह सकते हैं जो 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन है वो नहीं बनाया जा सकता है, टाइगर रिजर्व को अप्लाई नहीं करेगा, आप कैसे बात कर सकते हैं? तो यहाँ पे सेक्शन 38XA के तहत ये कहा गया है। तो ये आपकी सरिस्का टाइगर रिजर्व यहाँ पे सिचुएटेड है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने कहा, इसे 1978 में ही टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। यहाँ टाइगर्स, रॉयल बंगाल टाइगर्स बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पे लेपर्ड भी मिल जाएगा। लेपर्ड भी अगर आप देखना चाहते हैं तो लेपर्ड भी आपको यहाँ मिल जाएगा। और ये अरावली हिल्स में सिचुएटेड है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है कॉन्स्टेंटली। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने कॉपर माइन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनाई थी, जबकि लोनी कॉपर माइन एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु, एक ऑफिशियल की मृत्यु हो गई थी, काफ़ी लोग उसमें जमे हुए थे, मतलब फंस चुके थे, वो भी मैंने आपको बताया था एनालिटिकल पोर्शन में, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और प्रिजर्व्ड एंड रिजर्व्ड साइट्स हैं, जैसे भरतपुर, केवला देव और रामसागर यहाँ पे हैं, दारा यहाँ पे है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, ये गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुंबलगढ़ है और ये माउंट आबू। माउंट आबू में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जो अरावली की हाईएस्ट पीक है धूप, वो आप मुझे बताएंगे, गुरु शिखर है, चलिए मैंने ही बता दिया। उसके बाद ताल चापर है यहाँ पे सिचुएटेड है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सब कुछ यहाँ पे स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सरिस्का को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले डिक्लेयर किया गया था 1955 में। इसके बाद यहाँ पे 1978 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत एक टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। तो ऑलरेडी सरिस्का एक इम्पॉर्टेंट एरिया था, उसके बाद उसको टाइगर्स को रिजर्व करने के लिए अलग से एरिया घोषित कर दिया गया था। साथ ही साथ ये रिजर्व सिर्फ टाइगर्स से नहीं और बाकी इम्पॉर्टेंट चीज़ों से भरा है, जैसे कि कंकरवाड़ी फोर्ट यहाँ पे रिजर्व के बिल्कुल बीच में है और माना जाता है औरंगज़ेब जो था, मुगल एम्परर औरंगज़ेब, इसने दारा सिको को, इसका भाई था ना दारा सिको, तो दारा सिको को यहीं पे ट्रैप करके रखा हुआ था। और साथ ही साथ ये रिजर्व, इसमें बहुत फेमस टेंपल है लॉर्ड हनुमान का पांडुपोले में, जो कि पांडवास से रिलेटेड है, वो भी यहाँ पे। तो आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि इसकी और क्या क्या खासियत है तो याद रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉट ओनली रॉयल बंगाल टाइगर्स आर फाउंड ओवर हियर बट ऑल्सो लेपर्ड्स, नीलगाय, सांबर एंड चित्तल। ओके, सो आई होप यू फाउंड दिस सेगमेंट इन्फॉर्मेटिव एंड आई होप यू विल कंटिन्यू विथ आर्यस उत्कर्ष इंग्लिश। मेक श्योर यू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन डू बेटर ऑन एल्गोरिदम। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।